स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह द रहमान द रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैजान फ्रॉम मेजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। 26 अगस्त 2024 आज का दिन और आज की प्रोग्रेस हमारी ये रही कि अल्हम्दुलिल्लाह 26 कैंडिडेट्स ही या 28 कैंडिडेट्स हमारी पास हुई, 5 कैंडिडेट्स हमारी फेल हुई। प्रोग्रेस ओके, सो चलते हैं एक्सपीरियंस की तरफ और डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड किसे बोलते हैं, ये टार्टारिक एसिड को भी बोलते हैं। अब टार्टारिक एसिड के साथ एसिटिक एसिड है, पाल्मिक एसिड है, ये दो और हैं एसिड, इनके भी आपको इस तरह के नाम आने चाहिए। इसी तरह 2-4-6 ट्राइनाइट्रोफिनोल डाइनाइट्रोफिनोल, इनके भी IUPAC नेम आपको आने चाहिए, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, स्मूथ मसल्स हैव अ डैश अपीयरेंस नॉन स्ट्रिएटेड। अब ये नॉन स्ट्रिएटेड क्या होता है, मींस दे लैक द बैंडेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड की होती है साथ में ताकि आप लोग क्वेश्चन ही ना सिर्फ देखें, एक्सप्लेनेशन भी आप देखें, और एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी के हैं। इन विच मेम्ब्रेन ATP सिंथेसिस प्रेजेंट, ATP कौन सी मेम्ब्रेन में बनती है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में, और कभी कभी आंसर सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही आता है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन की फंक्शन क्या है, लिपिड्स का फंक्शन क्या है, और क्वेश्चंस में आपको फंक्शन नहीं पूछा जाता बल्कि वो लंबी लंबी सी स्टेटमेंट्स चार देते हैं और वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन प्रोटीन का नहीं है, इनमें से कौन सा फंक्शन मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का नहीं है, इनमें से कौन सा फंक्शन लिपिड्स का नहीं है। सो आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शंस सारे के सारे याद करने होंगे प्रोटीन के, लिपिड्स के और सेल मेम्ब्रेन के। इसी तरह बेटे आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, दैट सेल मेम्ब्रेन फंजाई की किस चीज से बनती है, सॉरी सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल किस चीज से कंपोज होती है, ह्यूमंस में एज वेल प्लांट्स में कौन सी जो सेल वॉल होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय जेनोटाइप, जेनोटाइप से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट होती है बेटे, ये हाइट, स्किन, कलर, इंटेलिजेंस, हर एक चीज जेनोटाइप यानी जीन्स से इफेक्ट होती है, जेनेटिक फैक्टर जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज पे। विच इज नॉट अ को फैक्टर ATP NAD Mg+2 FAD, तो विच इज नॉट अ को फैक्टर, ATP इज नॉट अ को फैक्टर, इट इज यूज टू ट्रांसफर एनर्जी, वाइल जो NAD हैं, Mg2+ मैग्नीशियम आयंस हैं, FAD हैं, ये को फैक्टर्स हैं और ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी चेन, कोएंजाइम O2, 2H, साइटोक्रोम एंजाइम्स। बेटे एक बात मेरी याद रखो, जो मैं आपको एक्सपीरियंस लाइव आके बताता हूँ ना, ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, एक एक्सपीरियंस आपको लाइव सेशन में मिलेगा, वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है देन दिस, आपने ये भी करना है। इसमें तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताता हूँ साथ में कुछ एडिशनल चीजें, लेकिन वहां पे प्योर एक्सपीरियंस, जैसे ये मेरा मोबाइल है इस पे जो एक्सपीरियंस आया मैं उसी तरह ऐसे व्हाट्सएप खोलता हूँ और उधर बैठ जाता हूँ और आप लोगों को बताना शुरू कर देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा टेस्ट पास नहीं हुआ, हैव अ लुक, एक लड़की का टेस्ट पास नहीं हुआ, ओके अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा टेस्ट पास हो गया, ASN RC रावलपिंडी, एक लड़की का भी पास हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैं खोलता हूँ,
तो मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन अभी देख लो एक्सपीरियंस में से, हु इज एथीस्ट, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, मीनिंग ऑफ बाशफुल, ये अभी अभी रावलपिंडी स्टेशन की लड़की पास हुई है और एक्सपीरियंस अपना बता रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लाइव एक्सपीरियंस होता है, इसको लाजमी देखा, ठीक है। ओके तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से कोर्स के अनाउंसमेंट है, आप लोगों ने ये पहले भी कोर्स की अनाउंसमेंट देखी होगी, लेकिन अभी मैं फिर से आपको जल्दी में इस कोर्स की अनाउंसमेंट बता रहा हूँ। बेटे ये हमारा पहले तो हमारे रैपिड सेशन, कंप्लीट सेशन और क्विक सेशन चला, लेकिन अब हमारा एक स्पेशल एफएनएस सेशन हम लड़कियों के लिए जो हमसे तैयारी करना चाहती है लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम है, तो इस कोर्स के लिए बेटा कम से कम आपके पास 2 दिन होने चाहिए, 2 दिनों में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी एफएनएस की। अब इसमें होगा क्या, इसमें बेटा आपको 1-1 घंटे के 3 नॉन वर्बल के लेक्चर बेसिक मिलेंगे, उसके बाद स्पेशल जो एडवांस लेवल के नॉन वर्बल है वो 3 मिलेंगे, ये आधे घंटे के हैं। उसके बाद 2 लेक्चर्स आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के मिलेंगे और 6 लेक्चर्स आपको स्पेशल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के मिलेंगे, एज वेल आर्मी एग्जाम एक्सट्रैक्ट्स का एक लेक्चर मिलेगा जिसमें तकरीबन 300 MCQs होंगे और 300 MCQs में से ही इंशाल्लाह आपको एकेडमिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी आ जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस कोर्स। और इस कोर्स की जो फी है वो 4000 रुपए है। आप हमारे इस नंबर 03066892208 पे कांटेक्ट करके ये कोर्स परचेज कर सकती हो, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिस दिन आप अपनी फी पे करोगे उसी दिन ये लेक्चर मिल जाएगा सारे के सारे, और टेस्ट पासिंग की इंशाल्लाह 92% गारंटी है। ओके विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेटरी चेन, कोएंजाइम O2, 2H या साइटोक्रोम एंजाइम्स। तो 2H यानी हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, बट द करेक्ट आंसर, ये जो दूसरे है ना, मतलब ये जवाब ऐसे होना चाहिए विच इज इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेटरी चेन, हाइड्रोजन आयंस जो है ना ये रेस्पिरेटरी चेन में इन्वॉल्व होते हैं, आई थिंक सो। इसका थोड़ा देख लीजिएगा आप, मेरा थोड़ा सा उधर एक्सपीरियंस की तरफ चला गया जहन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना होगा, मेरे जहन से इसकी स्किप हो गया क्या बोलना। ओके विच एलिमेंट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, bf3 में से ऐसा है जिसमें जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और बोरॉन एटम जो है ना ये 3 बॉन्ड्स बनाता है विद फ्लोरीन, ठीक है, बोरॉन फ्लोराइड, ट्राई फ्लोराइड सॉरी। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंस ऑन कैपेसिटेंस, डाइइलेक्ट्रिक अगर रखा जाए तो इसकी प्रेजेंस क्या इफेक्ट करेगी कैपेसिटेंस पे, इंक्रीज हो जाएगी, द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। टाइम टू कंडक्ट अर्थ टू द मून, अर्थ से मून तक का जो फासला है लाइट या रेडियो सिग्नल्स जो मून से जमीन तक पहुंचते हैं या जमीन से अगर हम कोई सिग्नल पहुंचाएं मून तक, तो जमीन से मून तक तो अलग चीज है, बट मून से अर्थ तो 1.28 सेकंड्स अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच ये थी, डेथ लाइज ऑन आईसी हैंड्स ऑफ किंग्स, ये क्या है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है या स्माइल है। दिस इज पर्सोनिफिकेशन, ये एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन की, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू डेथ जो है ना ये इसको एट्रीब्यूट कर रही है, ये भी पेपर में आएगा। थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एन्थैल्पी, व्हिच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, वो फिर से आ गया ना, प्रोटीन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सा फंक्शन प्रोटीन का नहीं है, मैंने सेम आपको चीजें बताई थी। तो इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, सो नॉट होगा तो इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर हो जाएगा सिंपली। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस सारे के सारे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और इसको सेल्स या बैटरीज ये डिवाइस चेंज करती हैं केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर इधर आ जाता लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आता फोटोडायोड, इसी तरह अगर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल आता तो फिर जनरेटर्स। सो इस तरह आपको सारा पता होना चाहिए अबाउट ऑल द डिवाइसेस जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ वी डबल द रिएक्टेंट्स इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप रिएक्टेंट डबल करो, एंजाइम ऐड करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होगा,
उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो सेम होगी रिएक्शन की स्पीड, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना ये इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अपोजिट ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कहते हैं बेटा एहतजाज करना, मुखालिफ बंदे ही एहतजाज करते हैं ना, तो अपोजिट हमने बताना है उलट, प्रोटेस्ट एहतजाज करना, नीचे आ गया एग्रीमेंट सुलहनामा हो गया या सपोर्ट हो गई, ठीक है ये आपने बताना था। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक और लड़की पास हो गई, अस्सलाम वालेकुम सर, सर आई पास माय इनिशियल विद मेडिकल, सर मैक्सिमम एकेडमी के डब्ल्यू से आया था, ए डब्ल्यू हमारा जो लेक्चर्स के नाम है एकेडमी के। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा कौन सा सेंटर था, कौन सा स्टेशन था आपका? अगर आप में से भी लड़कियां अपना टेस्ट पास कर चुकी हैं तो वो इंटरव्यू के ग्रुप में ऐड हो सकती हैं, सिंपल, ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट कर लें, व्हाट इज कांस्टेंट इन लैपलेस करेक्शन, लैपलेस करेक्शन में कौन सी चीज कांस्टेंट होती है ये आपने बताना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन प्रोटेस्ट वाला तो हमने कर लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अब आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी आपको पता होना चाहिए, इन वैक्यूम, इन वाटर, ये तीनों जगह पे आपको पता होना चाहिए, ये मैंने लिख दिए इधर। इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, प्रेपोजिशन है ही इज गुड एट मैथ, अब ये भी आ सकता है शी इज गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एट जैपनीज, शी इज गुड एट साइंस, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट उर्दू, ये तो हो गया कंफर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन आ रहा है, ही सेड आई एम कमिंग, तो इसको जब हमने चेंज किया इसको तो ये बन गया ही सेड दैट ही वाज कमिंग, ठीक है। और एडजेक्टिव क्लास की एक वो आ रही है एमसीक्यूज आपके पेपर में जिसका है द बॉय हु वॉन द प्राइज इज माई कजन, द बॉय हु वॉन द प्राइज, तो ये एडजेक्टिव क्लास है, तारीफ की गई है किसी पर्सन की जो जीता है। वैसे मैं इस टाइम वीडियो नहीं बनाता लेकिन इसलिए बना रहा हूं, रावलपिंडी से वो लड़की सिलेक्ट हुई है माशाल्लाह जो पास हुई, इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि 26 वाला मेरे से मिस हो गया। ओके एक कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर पर आवर, इफ ट्रेन डबल देन द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल, देखो बेटे एक कार जो है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ओके एक कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उन्होंने कहा कि एक ट्रेन भी है जो कार से डबल चल रही है, तो ट्रेन आधे घंटे में कितना सफर तय करेगी, अगर कार एक घंटे में 30 किलोमीटर करती है तो ऑब्वियसली ट्रेन आधे घंटे में 30 किलोमीटर करेगी, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से वर्बल का ही क्वेश्चन है, ही इज 4 इयर्स ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज 3 टाइम्स यंगर, या जो भी है, ठीक है। अब आपने बताना होगा, ये इधर हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हो, आप 4 साल के हैं और आपकी बहन आपसे 3 गुना बड़ी है, मींस जब आप 4 साल के हैं आपकी बहन कितने साल की हो गई, 12 साल, जब आप 9 साल के होंगे तो आपकी बहन कितने साल की होगी, जब आप 9 के होंगे, 4 से 9 तक पहुंचते आपको कितने साल लगे, 5, तो 12 से 5 साल के बाद आपकी बहन कितने सालों की हो जाएगी, 17, सो द राइट ऑप्शन विल बी 17, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बेटे ये मैंने पहले पहले एक्सपीरियंस में आपको बताया था कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स से प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स से सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं, इसी तरह वाइस वर्सा अगर अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये बड़ा रिपीट हो रहा है, बहुत रिपीट हो रहा है, इवन ट्रेंड नर्सिस के लिए भी रिपीट हो रहा है अभी तक, एंटीबायोटिक फॉर एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के लिए कोई भी एंटीबायोटिक्स यूज नहीं, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है ये पढ़ लीजिएगा, किसी मेडिसिन का नाम है, ये यूज होती है एलर्जिक रिएक्शन के लिए,
एंटीबायोटिक्स जो है ना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए ऐड की होती है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए वो इसमें। नेक्स्ट है विच इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं लाइक ये 2-methyl-2-propanol, ये भी पेपर में आ रहा है, दैट इज व्हाई मैंने इसको ऐड किया कि विच इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली तो ये टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे तो वो ये पूछ रहे हैं 2-methyl-2-propanol, ठीक है। तो आई थिंक ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस 26 अगस्त का। हमें दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है बेटा कि 2025 का सेशन, 2025 मतलब 2025 में जो लड़कियां अभी फेल हो रही हैं या नेक्स्ट वो अप्लाई करना चाहती हैं नियफनेस, तो हमारा जो सेशन है वो अप्रैल 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। आप अप्रैल से हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकेंगी, ओके। एंड हमारा ये नंबर 0306-88-92-208 ये आप सेव कर लें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तैयारी करवा दी जाएगी 2025। रिजल्ट तो आप जानती हैं।